माहौल पूरी तरीके से बीजेपी के लिए खराब है, आप ये समझिए। पब्लिक जूता लेकर जेब में उल्टी वाली जेब में इंतजार कर रही है कि एक बार प्रचार तो हो, समझ रहे, पीछे वाली जेब में धर के घूम रही है। और वही हालत होगी जैसी भाजपा की सरकार जाएगी ना देश से, आप ये समझिएगा, जो बोलेंगे ना भाजपा के पक्ष में, पब्लिक यहाँ अड़ा के रखेगी जूता, जहाँ दिखे ना कि देश कैसे बिका। मुंह में तो बात की बात है चाचा, पहले तो सर पे ही पड़ेगा इनके कि रेलवे कैसे बिका, एयर इंडिया कैसे बिका, MTNL कैसे बिका। बंगाल के लोगों को साफ भैया हाथ जोड़ के निवेदन है कि नाम बदलू महोदय, आपके बंगाल पहुंच चुका है और आप ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपने भाजपा वालों को मौका दिया तो वो जो नाम बदलू बंगाल पहुंचा है ना, वो बंगाल का नाम बदल के कंगाल नहीं कर देगा, बंगाल को ही कंगाल कर देगा। इस बात को आप समझिए। और आप कहते हैं ना खूब भालो खूब भालो, वहां कुछ भी भालो नहीं बचेगा, क्योंकि रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर वाले हावड़ा ब्रिज से लेकर देश के कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर एक चीज का सौदा करना जानते हैं। वो तो इनका बस नहीं चल रहा, पूरा देश उठा के ओलेक्स पे डाल दें कि खरीद लो, अच्छे और सस्ते दामों पे खरीद लो। रेल बेची, बेचा हवाई अड्डा, देश का कोना कोना बेच देंगे आप ये लोग, समझ रहे हैं। आज किसान को इन्होंने लाकर खड़ा कर दिया सड़क पे, बहन बेटियों की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं है। भगवान श्री राम का मुद्दा कोर्ट से पारित कराने के बजाय सांसद से पारित कराते, पार्लियामेंट से पारित कराते, क्यों भगवान श्री राम को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े, है आपके पास जवाब? आपने क्यों राम जी को कोर्ट के चक्कर लगवाए? तो सरकार ने नहीं बनवाया राम मंदिर, राम मंदिर कोर्ट ने बनवाया है, ये बात आप समझिए और दोबारा मत बोलिएगा कभी भी किसी के आगे। तुम चक्रवर्ती तो कह ही रहे हैं, मैं पानी वाला सांप नहीं हूँ, मैं कोबरा हूँ, कोबरा, समझ रहे हैं। अरे भैया आप कोबरा हैं तो मोदी जी को डसेंगे, उनके भाजपा वाले को डसेंगे, हमें ही डसेंगे, है, और आप है ही कोबरा। ये इतने ऐसे अभिनेता हैं जिनकी आवाज किसान के नाम पर ना, इनके मुंह में सत्ता का फेविकॉल अटक जाता है, कले से आवाज नहीं निकलती। मुझे आपसे सवाल है कि जैसा कि किसान आंदोलन को 100 दिन से ज़्यादा हो गए जी, सरकार इधर ना ध्यान देते हुए पश्चिम बंगाल के चुनाव पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, क्या कहिए इसको लेकर? देखिए कलयुग तो आप ये समझिए, कलयुग तो सच में घनघोर नज़र आ रहा है, दो मुआ सांप भी अपने आप को कोबरा बता रहा है, आप ये बात समझिए। देश के अंदर 100 दिन हो गए देश के किसान की बदहाली के, 100 दिन हो गए देश की सरकार की बेशर्मी के, और देश के अंदर 100 दिन से ज़्यादा देश के किसान यहाँ सड़कों पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकारें इतनी नाकार है, इतनी निकम्मी सरकार देश के इतिहास में पहली बार, वो देश के प्रधानमंत्री जो एक और देश का किसान सड़क पे बैठा है, लेकिन किसान को देखना तो दूर की बात, सुनना तो दूर की बात, वहाँ चुनावी रैली और प्रचार कर रहे हैं। अरे आपको शर्म नहीं आती कि दिल्ली के अंदर किसान बॉर्डर पे डटा हुआ है, इनसे बात करने के लिए एक बार आप आ जाएं, आपको बंगाल जाना जरूरी है, आपका बंगाल दौरा जरूरी है। अरे देश के अंदर तो हर 6 महीने के बाद कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं, चुनाव तो दोबारा भी आ जाएंगे, लेकिन जो देश के किसान के जो 300 से ज़्यादा किसान भाई शहीद हुए हैं, वो दोबारा आ पाएंगे क्या देश के अंदर? और जो शहादतें लगातार बढ़ रही हैं, उनका जिम्मेदार कौन है? क्या जवाब देगी देश की सरकारें? लेकिन मोहित जी, किसान भी तो वहाँ जाके रैलियाँ कर रहे हैं अब, तो किसान क्यों ना करे? मतलब किसान को जब आप दिल्ली बॉर्डर पर, एक बात मुझे बताइए, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी कह देंगे कि तीनों कृषि काले कानून वापस, तो क्या किसान बंगाल जाएगा? बंगाल में खड़ा हुआ है क्या इलेक्शन के लिए कोई इनके घर से? क्यों जाएगा वहाँ पर? तो ये प्रधानमंत्री मोदी को नहीं दिख रहा क्या बंगाल क्यों गया? जब दिल्ली में ध्यान नहीं दिया गया, जब दिल्ली के अंदर किसान घुसता है हरियाणा से पंजाब से, जब दिल्ली के अंदर पहले दिन आता है तो इसके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, कभी इसके लिए कटीले वायरों का प्रयोग किया जाता है, कभी कभी इसके ऊपर वाटर कैनन से पानी दागा जाता है, है? तो आप ये पूरा देश देख रहा है आज किसानों के साथ में, और आप किसानों के ऊपर जब ध्यान नहीं देंगे तो किसान बंगाल भी जाएगा, असम भी जाएगा, तमिलनाडु भी जाएगा, केरला भी जाएगा और पुडुचेरी भी जाएगा। क्या लगता है आपको? किसान किसानों की जो नए कानून है उनको वापस करने की है भाजपा को? कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसान जाकर अपना वर्चस्व दिखाएगा कि क्या ताकत है किसान की, और किसान से उलझने वाली सरकार की हालत क्या होगी ये किसान आपको दिखाएगा, कि जो भी सरकार देश में, कोई भी सरकार हो, जो किसान से उलझेगी, किसान से टकराएगी, ना उसका कोई वर्चस्व रहेगा, ना कोई इसका अस्तित्व रहेगा, ये बात दिखाना चाहता है देश का किसान। कहा जा रहा है कि अब किसान सियासत करने लगे हैं, राजनीति में आएंगे क्या? तो एक बात मुझे बताइए, तो ये क्या राजनीति की कोई डिग्रियां दी जाती हैं? एक समय वो था कि देश को चलाने वाले देश के प्रधानमंत्री इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे, और देश के प्रेसिडेंट, देश के राष्ट्रपति साइंटिस्ट हुआ करते थे, और आज क्या है? देश के प्रधानमंत्री चाय बेचने वाले हैं और गृह मंत्री तड़ी पार हैं। बहुत अच्छा लगता है ना आपको ये सुनने में? लगता है बहुत सम्मानित है।
क्या बात कर रहे हैं, हद नहीं आती। तो आप ही लोगों ने, देश की जनता ने चुना है। तो आप लोगों में आप नहीं आते, आपकी सबसे ज्यादा भूमिका है, आपका तो बस नहीं चलता। आपने लोगों ने तो चाटुकारिता की सारी दे रही है ना, तो वोट देने के लिए परेशान किसने करा? मोहित जी, हम जैसे तो जेल भी जा रहे हैं सर दिखाने के चक्कर में, आप क्या करें बताओ। अब आप ये आप समझ ही नहीं पा रहे, आपके माध्यम से नेशनल चैनल को संकेत है, नेशनल चैनलों को संकेत है। तो हमने कौन सा डरे? अरे भैया सुनिए, अगर हम डरते ना तो हम बोलते नहीं, समझ रहे? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, हम डरते तो हम बोलते नहीं, हम तो खुल के बोलते हैं और देश के किसान के समर्थन में बोलते हैं। अरे भाई आप सुनिए, देश के अंदर भगत सिंह को कोई चुनावी इलेक्शन नहीं लड़ना था, देश को आजादी दिलानी थी। राजगुरु सुखदेव को कोई चुनावी प्रचार नहीं करना था, देश में इलेक्शन नहीं लड़ना था। शहीद चंद्रशेखर आजाद को इलेक्शन नहीं लड़ना था, समझ रहे? तो वो लोग देश से प्रेम करते थे और हम देश से प्रेम करने वाले लोग हैं। और आप इस बात को समझिए, हम इस गुलदस्ते के चार सुनहरे फूल हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। अगर एक फूल टूट जाएगा ना, तो पूरे गुलदस्ते की रौनक खराब हो जाएगी। और हमें इस रौनक को खराब नहीं होने देना, देश को बचा के रखना है, बरकरार करके रखना है। यही कह रहे हैं कि आप देश से प्यार करते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी यही कह रही है, जो कुछ हो रहा है देश हित में हो रहा है, चाहे नोटबंदी हो, चाहे कोई और मामला हो, ये किसान बिल जो है ये भी इनके फेवर में आया और देश के किसानों का फायदा होगा, देश का फायदा होगा। एक बात मुझे बताइए, पिछले 7 सालों में देश के फायदे के तहत नाम बदलने के अलावा कौन सा फायदा इस देश ने देखा है? एक ऐसे मेडिकल कॉलेज का नाम बताइए जो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा बनाया हो, एक ऐसे हॉस्पिटल का नाम बताइए जो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बनाया हो, एक ऐसे नए एयरपोर्ट का नाम बताइए जो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बनाया गया हो, एक ऐसे नए विश्वविद्यालय का नाम बताइए जो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बनाया हो, बताइए ना आप मुझे। कैसे भारत को विश्वगुरु बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे कि देश के किसान को सड़क पे लाके बिठाल देंगे, या ऐसे बनाएंगे कि जिस देश के अंदर अगर आप लोन लेने जाते हैं गाड़ी के लिए तो आपको कम टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन शिक्षा के लिए लोन लेंगे तो आपको ज्यादा पे करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, अभी बंगाल से ही आए हैं, दोबारा बंगाल जा रहे हैं 16 को। बंगाल के लोगों को साफ भैया हाथ जोड़ के निवेदन है कि नाम बदलू महोदय, आपके बंगाल पहुंच चुका है और आप ध्यान रखिएगा, लेकिन अगर आपने भाजपा वालों को मौका दिया तो वो जो नाम बदलू बंगाल पहुंचा है ना, वो बंगाल का नाम बदल के कंगाल नहीं कर देगा, बंगाल को ही कंगाल कर देगा। इस बात को आप समझिए। और आप कहते हैं ना खूब भालो, वहां कुछ भी भालो नहीं बचेगा, क्योंकि रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर वाले हावड़ा ब्रिज से लेकर देश के कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर एक चीज का सौदा करना जानते हैं। वो तो इनका बस नहीं चल रहा, पूरा देश उठा के ओलेक्स पे डाल दें कि खरीद लो, अच्छे और सस्ते दामों पर खरीद लो। रेल बेची, बेचा हवाई अड्डा, देश का कोना कोना बेच देंगे आप, ये लोग समझ रहे हैं? आज किसान को इन्होंने लाकर खड़ा कर दिया सड़क पे, बहन बेटियों की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं है। वो जाकर उत्तर प्रदेश वाले नाम महोदय, नाम बदलू महोदय, वो वहां जाकर कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का मॉडल। अरे अपना मॉडल तो यहाँ कर देख लो, उत्तर प्रदेश का, यहाँ किसान बैठा हुआ है, किसान को लाठी डंडे से मारा जाता है जब किसान रात में सो रहा होता है, बहन बेटियों की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं है। तो ऐसा उत्तर प्रदेश का मॉडल हमें कहीं और नहीं चाहिए। और अगर आपने बंगाल के बजाय, बिहार के बजाय चुनाव प्रचार करने के बजाय अगर आपने उत्तर प्रदेश पे ध्यान दिया होता ना, तो आज ये उत्तर प्रदेश नहीं, ये उत्तम प्रदेश बन गया होता। लेकिन आज तो ये बदतर प्रदेश बन चुका है, आप ये समझिए। आपने तो सिर्फ नाम बदला है। राम मंदिर, आप एक बात मुझे बताइए, राम मंदिर देश की 133 करोड़ जनता की आस्था का प्रतीक है, भगवान श्री राम, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, समझ रहे? आप राम का आपने नाम लिया, एक बात मुझे बताइए, जब आप 3 तलाक का मुद्दा कोर्ट से पारित करा सकते हैं, तो क्या आपकी सरकार की इतनी औकात नहीं है कि भगवान श्री राम का मुद्दा कोर्ट से पारित कराने के बजाय सांसद से पारित कराते, पार्लियामेंट से पारित कराते? क्यों भगवान श्री राम को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े? है आपके पास जवाब? आपने क्यों राम जी को कोर्ट के चक्कर लगवाए? तो सरकार ने नहीं बनवाया राम मंदिर, राम मंदिर कोर्ट ने बनवाया है, ये बात आप समझिए। और दोबारा मत बोलिएगा कभी भी किसी के आगे। और इनका जो विकास है ना, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आगे मत पूछिएगा कि विकास कहाँ है, वो वरना क्या काम करेगा, सारे उत्तर प्रदेश में अनाउंसमेंट कर देगा कि सबका नाम आज से विकास, फिर जिसको भी खड़ा कर दो वही विकास दिखेगा। ये है इनका विकास। आज देश की गरीब जनता की वो हालत है कि जेब में अगर 5 रुपए भी ना हो ना, तो अगर आप शौचालय की बात गिनाने वाले थे, मुझे पता है आपके मुंह से ही पता चल गया था, समझ रहे हैं? आप शौचालय की बात करने वाले थे, तो गरीब जनता का वो हाल है कि अगर जेब में 5 रुपए भी ना हो तो गरीब आदमी शौचालय भी नहीं जा सकता। तो आपने गरीब आदमी के लिए करा क्या है? अगर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मॉडल है शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, रोजगार के नाम पर और बेरोजगारी के नाम पर, या देश के किसान के नाम पर, तो आप उस पर चुनाव लड़िए ना।
हिंदू और मुस्लिम के नाम पर कब तक चुनाव लड़ा जाएगा देश में? आपको शर्म आनी चाहिए कि माँ काली भी एक है और राम भी एक है। हिंदू मानने वाला माँ काली को भी मानता है, राम को भी मानता है। देश की 133 करोड़ जनता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों में विश्वास रखती है। और देश के प्रधानमंत्री जी को तो बिल्कुल शर्म आनी चाहिए कि किसानों को छोड़कर वहाँ जाना उचित नहीं था। क्या आप अपने दिल पर हाथ रख के बोलिए, क्या प्रधानमंत्री मोदी को चुनावी रैली करनी जरूरी थी या किसानों से पहले उनकी बात को जानना जरूरी था? यहाँ भी तो आ सकते थे एक बार कि आपकी क्या समस्या है पहले आप बताइए, जब आपकी समस्या का समाधान होगा तब देश में चुनाव होगा। तब मैं मानता कि प्रधानमंत्री जी देश हित में कार्य कर रहे हैं और देश के लोग उनके साथ खड़े भी होते। आप बंगाल से आए हैं, किस तरह का माहौल है? माहौल पूरी तरीके से बीजेपी के लिए खराब है, आप ये समझिए। पब्लिक जूता लेकर जेब में उल्टी वाली जेब में इंतजार कर रही है कि एक बार प्रचार तो हो, समझ रहे हैं? पीछे वाली जेब में धर के घूम रही है और वही हालत होगी जैसी भाजपा की सरकार जाएगी ना देश से। आप ये समझिएगा, जो बोलेंगे ना भाजपा के पक्ष में, पब्लिक यहाँ अड़ा के रखेगी जूता, जहाँ दिखे ना कि देश कैसे बिका। मुंह में तो बात की बात है चाचा, पहले तो सर पे ही पड़ेगा इनके कि रेलवे कैसे बिका, एयर इंडिया कैसे बिका, MTNL कैसे बिका, BSNL कैसे बिका। एक बात आप मुझे बताइए, कॉन्सेप्ट के थ्रू समझिए। आपने मुझे 10 रुपये उधार दिए, अगर मैं आपके 10 रुपये लेके भग गया तो आप मेरे घर पहुंच जाएंगे, मेरे घर पे जाएंगे, मेरे घर वालों से कहेंगे कि आपका लड़का मेरे 10 रुपये लेके आया, तो आप मेरे घर पे जाके अपने 10 रुपये ले आएंगे। लेकिन देश को चलाने वाले जो अब लोग हैं, इनके तो ना कोई आगे है ना पीछे है। तो भैया बेक दी रेल, बेक दिया एयरपोर्ट, बेक दिया BSNL, तो कल को जब देश बिकेगा, तो जब देश बिकने के बाद आप किसका गलेबान जाके पकड़ेंगे कि अगर रेलवे बिकी तो क्यों बिकी, एयर इंडिया बिकी तो क्यों बिकी, और जब रेलवे बिक गई तो रेल मंत्री को काय बात की तनख्वाह। जब देश में आप सभी चीजों को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं तो मंत्रियों को तनख्वाह और वेतन भत्ता काय बात का, सरकार भी प्राइवेट कर दो ना, प्रधानमंत्री भी प्राइवेट चुन लेंगे। जब देखरेख ही करनी है तो 50,000-1,00,000 रुपए सांसद को क्यों देंगे, 10,000 रुपए में चौकीदार रख के देखभाल करवाएंगे और अच्छी चौकीदारी करेगा। TMC में लंबे समय तक काम किया था मिथुन चक्रवर्ती ने, अब भाजपा में शामिल हुए हैं। मिथुन चक्रवर्ती तो कह ही रहे हैं मैं पानी वाला सांप नहीं हूँ, मैं कोबरा हूँ, कोबरा आने के बाद डस लूंगा, समझ रहे हैं? अरे भैया आप कोबरा हैं तो मोदी जी को डसेंगे, उनके भाजपा वाले को डसेंगे, हमें ही डसेंगे हैं, और आप हैं ही कोबरा। ये इतने ऐसे अभिनेता हैं जिनकी आवाज किसान के नाम पर ना, इनके मुंह में सत्ता का फेविकॉल अटक जाता है, कले से आवाज नहीं निकलती। किसानों के नाम पर तो अगर इनके आगे माइक लगा दो तो इनको ऐसा हो जाता है कि मेरे को खांसी है, गले में दर्द हो जाता है, इनके निकल जाते हैं ये। और आप ये देखिए राजनीति करने के लिए कैसे कोबरा आगे आ रहे हैं। अरे कोबरा जी आप भी तो समझिए, आप कोबरा नहीं, आप दो मुंह सांप हैं, समझ रहे हैं? जो देश को भी ढस रहे हैं और सत्ता की गुलामी कर कर जो केस और आरोप लग रहे हैं ना, उनों से भी बचना चाह रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि देश के अंदर शारदा चिटफंड घोटाले का मुद्दा देश में दोबारा खुले और मुकुल राय जैसे आरोपी जो आज बीजेपी का दामन थामे बैठे हैं, कैसे खुलेआम आराम से बैठ के घूम रहे हैं? क्या मुकुल राय के ऊपर कानूनन कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बीजेपी कौन सा वॉशिंग पाउडर बना रही है, है? क्या पतंजलि का वॉशिंग पाउडर भी बनने लग गया कि पतंजलि के गौमूत्र में डुबा डुबा के निकाल रहे हैं इन्हें कि एकदम पवित्र हो रहे हैं? ये इनका कॉन्सेप्ट है सीधे तौर पर कि देश के अंदर ये पहले लोगों को परेशान करते हैं, जब लोग परेशान होते हैं तो सत्ता के पास पहुंचते हैं और सत्ता उनको ऐसे प्रेशराइज करती है कि आप पार्टी ज्वाइन करिए, आपके ऊपर से सारे आरोप साफ। बिल्कुल, तो पहले परेशान भी यही करते हैं, समाधान भी खुद देते हैं। जी आखिरी सवाल, अगर अब कानून वापस नहीं लेती है सरकार तो किसान हर राज्य में इसी तरह से बीजेपी के खिलाफ कैंपेन करेंगे, उसको हराने का? बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्या? जब यहाँ पर नहीं सुनी जा रही है किसान की बात तो किसान कहाँ जाएगा? बीजेपी दिल्ली भी जा चुका है, दिल्ली जा चुका है, दिल्ली घुसता है तो मारा जाता है किसान को, हरियाणा पंजाब से पहले दिन आता है तो मारा जाता है किसान को। अरे किसान पिटने के लिए नहीं बना, किसान देश का अन्नदाता है, पेट भरने के लिए बना है, पिटने के लिए नहीं। अरे कुछ तो शर्म करो, इस अन्नदाता के ऊपर लाठी चार्ज करना बंद करो और इसके लिए सोचना शुरू करो, क्योंकि अगर अन्नदाता नहीं होगा तो बिना रोटी के त्रस्त हो जाएगा देश। वो दिन भूल गए जब अमेरिका से सड़ा हुआ गेहूं आता था जिसे खाकर लोग बीमार पड़ते थे, भारत ने नारा दिया कि भूखे मर जाएंगे लेकिन देश में अनाज पैदा करेंगे, देश की रोटी खाएंगे, तो वो दिन दोबारा लाना चाह रहे हैं क्या? तो देश के किसान के लिए सोचिए, किसान के लिए जीना सीखिए, देश के लिए जीना सीखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।